योगी की जुबानी सीएम बनने की कहानी, सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी, योगी के सबसे ताजे इंटरव्यू में खुलासा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को यूपी के सीएम की शपथ ली, लेकिन खबरी.com के संपादक पीआर रमेश से बातचीत में योगी ने जो बताया उससे संकेत मिल रहे हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी नेतृत्व ने एक हफ्ते पहले ही योगी को कमान सौंपने का मन बना लिया था। देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि मुझे शपथ लेना है। मैं इलेक्शन कैंपेन में लगा था, मैं मानता था कि मुझे 6 तारीख को इलेक्शन विधानसभा चुनाव के प्रचार को बंद होना था। मैं लगता है कि 6 तारीख के बाद मुझे अवसर मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने ज़्यादा लग चुके थे हम लोगों के, काफ़ी स्थिति वैसी हो गई थी। मैं मानता था कि एक अवसर मिलेगा काउंटिंग के बाद, एक सप्ताह के लिए थोड़ा आराम करूँगा। और इस चीज़ से मुझे एक ऑफर मिल गया था विदेश मंत्रालय की, एक टीम को जाना था वोटर स्पेन। तो विदेश मंत्री जी का फोन मेरे पास आया तो मैंने तत्काल हाँ कह दिया। मैंने एक दिन डिले हुआ, 16 तारीख को जो छः बताया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से आपका वो रिजेक्ट हो गया है। तो मैं गोरखपुर चला, मैंने कहा जाने दीजिए गोरखपुर में आराम करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट जैसे मैं पहुँचा तो फिर विदेश मंत्री जी का फोन आया कि नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परिणाम आने वाले हैं। काउंटिंग 10 तारीख को जैसे ही 10 मैं गोरखपुर आ रहा था, मैंने कहा गोरखपुर मेरी काउंटिंग थी। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचा तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, योगी जी का यहाँ रहना आवश्यक है और किसी और को। तो मैं आश्वस्त, मैंने कहा चलिए प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, तो प्रधानमंत्री जी ने हो सकता है कुछ सोच करके मना किया होगा। मैं गोरखपुर चला आया। योगी आदित्यनाथ की बातों से तो यही लग रहा है कि नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पसंद चुन ली थी। ऐसा लगता है कि मोदी ये तय कर चुके थे कि अगर जीत हुई तो सीएम कौन होगा, इसीलिए विदेश जाने वाले सांसदों की लिस्ट से योगी का नाम मोदी ने हटवा दिया। योगी को फिर भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यूपी की कमान सौंपने का विचार बीजेपी नेतृत्व के मन में चल रहा है, इसलिए उनका नाम विदेश जाने वाले प्रतिमंडल से हटाया गया है। 11 मार्च को नतीजे आने के बाद मीडिया में सीएम पद के उम्मीदवारों के कयास लगाए जा रहे थे, योगी का नाम भी शामिल था लेकिन बहुत पीछे। 16 मार्च तक ये तय हो गया था कि 19 मार्च को लखनऊ में शपथ ग्रहण होना है और 18 मार्च को विधायकों की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, लेकिन वो कौन होगा ये राज ही था। फिर एक बार योगी के पास आया एक फोन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का फोन। था अचानक फोन आता है दिल सिंह का कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा गोरखपुर में रहना था, आपको यहाँ रहना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मैं गोरखपुर चलाया हूँ। खैर दिल सिंह ने कहा कि नहीं, आपको कल सुबह दिल्ली पहुँचना है। मैंने कहा इससे मतलब ट्रेन भी नहीं। खैर दिल सिंह ने सुबह एक चार्टर भेजा, मैं दिल्ली आया। इसके बाद योगी 18 मार्च को चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अमित शाह ने उन्हें फैसला बता दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि अभी इसको गोपनीय रखें, क्योंकि उसी दिन दोपहर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शपथ लेने वाले थे। देहरादून में शपथ ग्रहण के बाद 18 मार्च को ही शाम को लखनऊ में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधिवत तौर पर योगी को सीएम चुन लिया गया। अभी तक योगी को सीएम बनाने के लिए अमित शाह और आरएसएस की पसंद बताया जा रहा था, लेकिन इस इंटरव्यू से साफ है कि योगी को यूपी की कमान सौंपने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी काफी पहले कर चुके थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।